की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फोर वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है, इसका के मैप पहले हम बना चुके थे, दोबारा बना रहा हूं मैं। जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जीरो वन टू थ्री फोर एट टेन। देखिए ग्रुप कैसे बनेंगे, एक ग्रुप तो ये बन रहा है, देखो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप बन गया, ये दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया कॉर्नर्स का, कॉर्नर्स के निशान ऐसे लगाते हैं, कॉर्नर का निशान डायगोनल साइड में लगाते हैं, तीन ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये चार का, एक ग्रुप ये दो का और एक ग्रुप इन चारों का। यदि कोई ऐसा नंबर होता जो अकेला पड़ा होता उसको हम अकेले का ग्रुप बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां कोई पड़ा होता उसको हम सर्कल करके अकेला का कर देते हैं, अकेले का ग्रुप बनता हो। अभी मैंने आपको डायगोनल पेयरिंग नहीं बताई है, थोड़ा प्रैक्टिस करो डायगोनल पेयरिंग, उसके बाद किसी दिन करेंगे, अभी डायगोनल पेयरिंग हमने नहीं की डिस्कस। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूं वाई थ्री इज इक्वल टू, पहले मैं इस ग्रुप को लेता हूं, ये जो ग्रुप है कितने रो में है और कितने कॉलम में है, सिंगल कॉलम में है, ये सिंगल कॉलम का आईडी लिख दो, ए बार बी बार, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, कितने रो में है, चार रो में है, इन चार रो में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इन चार रो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। चलो ये एक ग्रुप का हो गया, नेक्स्ट ये ग्रुप आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन आएगा हर एक के अंदर जब मैं एसओपी के कर रहा हूं। तो अब देखिए इसके अंदर यहां सिंगल रो में है ये, तो सिंगल रो का आईडी लिख दो पहले, सी बार डी बार, सी बार, सी बार और डी बार, सी बार डी बार, और कितने रो में है, कितने कॉलम में है ये ग्रुप, कितने कॉलम में है, दो कॉलम में, और उस कॉलम में ए लोकेशन कॉमन है, देखो ये दो कॉलम में है, और उन कॉलम का यदि मैं आईडी देखता हूं जीरो जीरो और जीरो वन, तो इसके अंदर कॉमन लोकेशन कौन सी दिख रही है आपको, एक ही लोकेशन कॉमन दिख रही है, यहां भी जीरो है यहां भी जीरो है, तो जीरो है तो ए बार लिखा जाएगा, तो क्या आईडी बना, ए बार सी बार डी बार, प्लस मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं प्लस। अब मैं इसकी इसके लिए जो चारों का बना हुआ है, तो ये चारों वाला जो ग्रुप है कॉर्नर्स वाला ग्रुप, ये कितने रो में है कितने कॉलम में है, ये दो कॉलम में है और दो रो में है, इसमें और इसमें, और दो कॉलम में है इसमें और इसके अंदर, तो इन दो कॉलम में कॉमन क्या है, ये बी की लोकेशन कॉमन दिख रही है हमें, देखो तो ये होगा बी बार। उसके बाद क्या है, ये दो रो के अंदर है, इन दो रो के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी डी बार, सॉरी यहां क्या है, डी है, डी के लिए है लेकिन यहां जीरो है तो डी बार। तो इक्वेशन आ गई y3 इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार डी बार प्लस बी बार डी बार, ये हमारी लोकेशन, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये है कि यदि आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं अभी, ये आपका फोर वेरिएबल तक का मैंने सॉल्व करवा दिया, अब एक दो केस और करवाऊंगा मैं, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशनल डिजाइनिंग के ऊपर बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया आ सकता है, y3 थ्री इज इक्वल टू, घबराना नहीं है, फिर देख के ये क्या आ गया, y3 थ्री इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार
b bar c d bar plus a bar b bar c d plus a bar b c c bar d bar plus a b bar c bar d bar plus a b bar c d bar. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसका सॉल्यूशन भी वही होगा जो अभी किया है हमने. यदि कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका के मैप बनाना बहुत इजी है, बड़ा इजीली के मैप बन जाएगा क्योंकि वहां से आपको सारे नंबर मिलते चले जाएंगे. यदि कोई इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका के मैप आप डायरेक्ट नहीं बना सकते. अब मैं कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके अंदर मैं एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन लूंगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं. मैंने अभी आपको ये बताया फोर वेरिएबल का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है. यदि ये इक्वेशन भी आ जाए तो इसका मतलब यही है कि आपको वही के मैप बनाना है. कैसे पता लगेगा? जीरो 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 वन, जहां बार है वहां जीरो देख लो और जहां बार नहीं है वहां वन. ठीक है, तो ये आपको नंबर यही मिलेंगे. अब मैं आपको बताता हूं कोई के मैप इक्वेशन सॉल्व करनी जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो वाई फोर इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी बार प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए बार पी बार सी बार. ठीक है, ये इतना बहुत है. अब इसको हमने मिनिमाइज करना है. अब आप ये देखिए कि इसके अंदर सी तक ही आया, चलो कोई एक डी वाली भी ले लेते हैं प्लस बी डी, ये आ गया. ठीक है, तो यहां सी डी भी ले सकते हैं प्लस सी डी. चलो हमने ये कोई एक ले लिया, कोई इक्वेशन ली है, ये नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन है. नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है, ये मिनिमाइज करना है. तो अब आप इसको कैसे मिनिमाइज करोगे? इसके दो तरीके हैं. पहला तो ये मेथड है कि ये कौन सी इक्वेशन, एसओपी है या पीयूएस है. दिस इज एसओपी इक्वेशन. पहला तरीका तो ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद क्या है, जो वैल्यूज आ जाएंगी, जो वेरिएबल, जो प्रोडक्ट टर्म्स आ जाएंगी, वहां से आपको लोकेशन पता लग जाएंगी कि किन किन लोकेशन के ऊपर वन आएगा, मीन्स मिन टर्म्स मिल जाएंगे वहां से. तो फर्स्ट मेथड तो क्या हो गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी. स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको ये पता लग जाएगा मिन टर्म्स कहां कहां है. तो दूसरा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बता देता हूं. एग्जाम के अंदर आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. यदि आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन है या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसा आ जाएगी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको शॉर्टकट से करना है, तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं. यदि आपको एग्जाम में इलेबोरेट करके लिखना आए तो फिर आप क्या करना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना फिर सॉल्व करना. तो ए बी सी डी, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे, जीरो जीरो लिखने की बजाय मैं ए बार बी बार लिख दूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा बड़ा बना देता हूं चलो इसको मैं. ए बी और सी डी, यहां जीरो जीरो लिखने की बजाय मैं ए बार बी बार लिख दू, कोई प्रॉब्लम नहीं है की बात है. आप उन क्वेश्चन में भी कर सकते हो ये काम जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे, तो कोई गलत नहीं होगा. ए बार बी, यहां मैं ए बी लिख देता हूं और यहां मैं ए बी बार लिख देता हूं. यहां जीरो जीरो था, जीरो वन था, वन वन था और वन जीरो था. यहां मैं सी बार डी बार लिख देता हूं, यहां मैं सी बार डी लिख देता हूं, यहां मैं सी डी लिख देता हूं और यहां मैं सी डी बार लिख देता हूं.
यदि आप 00011110 लिख दोगे तब भी सॉल्व होगा, ये सिर्फ मैं आपके इजी के लिए कर रहा हूं। अब एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पहले मुझे लिखना है a बार बी सी, तो पहले सर्च करो a बार b का कॉलम कहां है, a बार b का कॉलम ये है, इन इसको इसको आप आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद c कहां कहां है, इसमें c कहां कहां है, c इन दो में है। तो पहले मैंने a बार b देखा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको व्हाइट चौक से डार्क कर देते हो। उसके बाद आपने c देखा, c कहां है, c इन दो के अंदर है, इसको व्हाइट चौक से डार्क कर दिया या रेड चौक से डार्क कर दिया। तो ऐसे कौन से तो खाने आए जिसमें व्हाइट चौक भी चला हुआ है और रेड चौक भी चला हुआ है, तो कौन से आएंगे, दो आएंगे। आप ऐसे किया आपने और उसके बाद इन दो के अंदर किया, तो ये दो जो पॉइंट है वो कॉमन आए, तो इन दो लोकेशन पे आप वन वन रखें। अब उसके बाद क्या करो, ए बार सी, ए बार कहां कहां है, इन आठों के अंदर ए बार है। सी कहां कहां है, सी इन इन आठों में है, ठीक है, सी इन आठ में है और ए बार कहां है, इन आठ के अंदर है। तो यदि मैं इसको यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक करूंगा तो कॉमन लोकेशन क्या आएगी, कॉमन नहीं आएगी, ये चार दो पे पहले से ही वन था, दो पे मैंने रख दिया। तो ये मैंने रख दिया ए बार सी, ए बार ये था और सी ये था, कॉमन ये था, ये वन कर दिया। नेक्स्ट है बी सी, बी कहां है, बी इन आठ पे है, सी कहां है, सी इनके ऊपर है, ठीक है। तो कॉमन क्या हुआ, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या हुआ, ये इतना ये पोर्शन कॉमन हुआ, इन पोर्शन में जहां वन नहीं है वन रख दो, बाकी यहां दो लोकेशन पे है ही वन। नेक्स्ट ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार कहां है, ए बार बी बार यहां है और सी बार कहां है, मैं ए बार बी बार के ऊपर लाइन लगा रहा हूं पहले ये ऐसे, और सी बार कहां है, सी बार इन दो जगह पे है, इन लोकेशन पे सी बार है और इस लोकेशन पे ए बार है, ए बार बी बार है, तो कॉमन क्या चीज होगी, ये चीज कॉमन होगी, समझ आ रहा है। मैंने देखा ए बार बी बार ये चीज आ रही है और मैंने देखा सी बार ये जा रहा है, तो इसका मतलब कॉमन लोकेशन ये हुई जहां मैंने वन वन रख दिया। उसके बाद रखा सी डी, सी डी सी कहां है, इन इनके सी डी सॉरी सी डी कट ही आएगा, सी डी ये है, सी डी आ गया ये, तो सी डी वन, सी डी ये पूरा आना था, पूरा आएगा सी डी, तो ऑलरेडी यहां तीन जगह पे था, मैंने एक जगह पे मैंने लगा दिया, तो ये चीज बन गई। अब ये कंप्लीट बन गया कि इन इन लोकेशन पे जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करोगे तब आपके जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो 0, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12। और जब आप सॉल्व करोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आपकी मिनिमम लोकेशन निकल के आएंगी वो 0, 1, 2, 3 और उसके बाद 6, 7, 10, 11 और 14, 10 पे नहीं होगा, सॉरी 10 खाली पड़ा है, 10 पे नहीं होगा, 11, 14, 15, तो ये लोकेशन आपकी आएगी। यदि आप इसको y4 = summation m ये आपकी निकल के आएंगी, यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके करोगे तो 0, 1, 2, 3 उसके बाद 6, 7, 7 के बाद 11, 14, 15 आपकी ये लोकेशन वहां से आएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करके करोगे तो यहां से ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को फिर यहां फिल करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा। तो जब हम शॉर्टकट से करते हैं, मैंने बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कन्वर्ट करके नहीं दिखाया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने बता रखा है आपको, तो आप कर लोगे उसको। तो अब ये आ गया, अब गेम में फिल हो गया, तो सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, y4 = y4 = सबसे पहले इसके लिए करोगे तो क्या आएगा,
कितने रो में कितने कॉलम में, एक सिंगल कॉलम में। मैं बार बार अब ये नहीं करूंगा, मैं सीधा लिखा करूंगा क्योंकि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं ए बार बी बार। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, इसके ऊपर आऊंगा तो क्या आएगा प्लस, इसके ऊपर आऊंगा तो ये आएगा सी डी प्लस। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, ये दो कॉलम में और दो रो में है, दो कॉलम में कॉमन क्या है बी और दो रो में कॉमन क्या है, इस दो रो के अंदर कॉमन क्या है सी। तो इसका आंसर मिनिमाइज हो गई ये है। पहले टर्म्स कितनी थी, दो चार पांच टर्म्स थी जिसमें तीन वेरिएबल की भी टर्म्स थी, अब तीन टर्म आई है जिसमें सभी दो दो वेरिएबल की हैं। तो दिस इक्वेशन वाज नॉन स्टैंडर्ड बट दिस वाज नॉट मिनिमाइज्ड, और दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड बट दिस इज मिनिमाइज्ड आल्सो, मिनिमाइज्ड इक्वेशन है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा कि नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर हम अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट को कैसे डिजाइन किया जाए, अब हम उसके ऊपर आएंगे। और उसमें मेजरली जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे एडर डिजाइनिंग, सब्ट्रैक्टर डिजाइनिंग, हाफ एडर, फुल एडर, और उसके बाद कोड कन्वर्टर्स, डिफरेंट टाइप के कोड्स होते हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाए। और उसके बाद हम करेंगे कंपैरेटर सर्किट करेंगे, पैरिटी जनरेटर करेंगे, तो ये डिफरेंट सर्किट हम करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले इजिएस्ट वे के अंदर हम शुरू करते हैं